फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर बैग बनाना सिखाएंगे। पेपर बैग से गिफ्ट पेपर से बना हुआ है और ये न्यूज़पेपर से बना हुआ है। आज हम ये वाला बैग आपको सिखाएंगे। इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल ये हमारा गिफ्ट पेपर, पेपर रूफ या फिर आपके लिए आप रिबन, सीजर, स्केल एंड कोई भी पेस्टिंग के लिए फेविकोल हो या कोई भी पेस्ट के लिए। सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे थोड़ा सा ये फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसको अच्छे से पेस्ट करना है। आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए इसको। इसको ऐसे पेस्ट करके फिर इसका एक सेंड कर लीजिए। सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे ये हम टाइट प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें फेविकोल लगाना है, ये इस जगह पर। इसके नीचे नहीं लगाना है, नहीं तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करना है। इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, इधर से भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये इसका सेंटर क्लियर। अब हमें एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा नीचे से पेस्ट तो नहीं हुआ क्या। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अंदर से पेस्ट तो नहीं हुआ है, परफेक्ट है। अब इसका नीचे से हम आप अभी मेजर करके कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। हमें 5 सेंटीमीटर तक का फोल्ड करना है। अगर ज्यादा छोटा कर दिया तो फिर ये पूरा प्रॉपर नहीं बनता है। ऐसे हमें 5 सेंटीमीटर तक का पूरा लेके इसको नीचे से ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद ये ट्रायंगल अच्छे से प्रेस करने हैं। उसके बाद ये हाफ यहाँ तक का, यहाँ पे हमें ग्लू नहीं लगाना है। ये ऐसे ग्लू सिर्फ हम यहाँ पर लगाएंगे ये पेस्ट करने के लिए। पर लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर। ये भी हाफ इसका इस पे ऐसे। ओके फ्रेंड, ये ऐसे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से इसको स्केल बिल्कुल किनारे पे रख के इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम अपोजिट साइड करेंगे। हम ये होल मशीन से यहाँ पे हम सेंटर जो हमारा एक सेंटर पार्ट है उससे एक साइड इस साइड एक होल कर देंगे, एक होल दूसरी साइड कर देंगे सेंटर के इधर दोनों। अब इसमें हम रिबन लगा देंगे। जितना
जितना भी आपको ये रिबन लंबा लेना है आप उतना लंबा ले सकते हैं, उतना छोटा लेना है।